हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सेना की बड़ी ताकत पूर्वोत्तर में चीन को करारा जवाब देने की बड़ी तैयारी। एलएसी पर पिनाक और इस मर्च को अब तैनात कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, भारत लगातार एलएसी पर डिफेंस सिस्टम की बढ़ोतरी कर रहा है दोस्तों, चाइना के करतूत को देखते हुए। और अब पिनाक मर्च को तैनात कर दिया गया है। बड़ी जानकारी देंगे आपको और ये भी बताएंगे कहां कहां लगाया गया है दोस्तों इसको और किस किस को रखा है निशाने पर। साथ ही आगे खबर में आपको बताएंगे, जहां घाटी में आतंकी वारदात को रोकने के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है दोस्तों। सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे, श्रीनगर की सड़कों पर बन रहे हैं बंकर। जी हां दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही बताएंगे, जहां पर पाकिस्तान ने फिर संयुक्त राष्ट्र मंच का दुरुपयोग किया, जिसके बाद भारत ने लिया आड़े हाथों। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या जवाब दिया भारत ने, सीधे सीधे मुंह तोड़ जवाब। जी हां, साथ ही बताएंगे, जहां 49 दिन बाद आया पूर्व अफगानी राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह का ट्वीट। जी हां दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान को लगाई गई है जमकर लताड़। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर क्या कहा अमरुल्ला सालेह ने 49 दिन बाद एकदम से। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर अब चाइना को 43 देशों ने मिलकर दिखाया है आईना। जी हां दोस्तों, किस मुद्दे पर, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे, जहां पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में योगी जी का बड़ा बयान, सपा सरकार में हिंदुओं पर गोलियां चलाई जाती थी और आतंकियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, बड़ी बात इन्होंने कही है दोस्तों। साथ ही बताएंगे और क्या क्या कहा है। और दोस्तों, भारत सरकार का बड़ा दावा, प्याज की कीमतें सहित इन चीजों में फरवरी के बाद से सस्ते हो जाएंगे। दोस्तों बताएंगे कौन कौन सी चीजें अब सस्ते होने वाली है। साथ ही इस राज्य में राशन कार्ड धारकों को इस तारीख से मिलेगा फ्री गेहूं और चावल। बताएंगे कौन से राज्य में और कितने तारीख से वो फ्री मिलने वाला है दोस्तों। साथ ही बताएंगे, जहां 2.5 लाख किसानों को पैसा देगी इस राज्य की सरकार, मिलेगा इतना फायदा। तो हर तरह की जानकारी आज आपको देने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी, तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पूर्वोत्तर में चीन को करारा जवाब देने की बड़ी तैयारी। एलएसी पर पिनाका और इस मर्च कर दिया गया है तैनात भारतीय सेना ने। पूर्वी लद्दाख के बाद पूर्वोत्तर में भी एलएसी पर चीन की आक्रामकता का करारा जवाब देने की बड़ी तैयारी कर ली है दोस्तों। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर किसी भी खतरे से निपटने के लिए चीन की सीमा के पास फॉरवर्ड पोजीशन पर पिनाका और स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया है। हाल ही में सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर अपनी तैनाती बढ़ाई थी। जी हां दोस्तों, पिनाका हथियार प्रणाली एक रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है जो 38 किलोमीटर तक के इलाके में दुश्मन को निशाना बना सकती है। ऊंचाई वाले सीमाई क्षेत्र में इसकी तैनाती का मकसद सेना की क्षमताओं को मजबूत करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में चीन के दुस्साहस को देखते हुए दोस्तों एलएसी पर जिस प्रकार से पिनाक और इस मर्च को तैनात किया गया है, इसका सीधा निशाना दोस्तों चाइनाओं के बंकर पर है और डायरेक्ट वहां के मेन आर्मी पॉइंट के पास है दोस्तों, जहां से वो लोग भारत में घुसने की बड़ी साजिश रचते हैं। और ऐसे में इस बार अगर चाइनीज ने थोड़ी सी भी दुस्साहस दिखाई तो भारत डायरेक्ट उनको आसमान में लॉन्च कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय, सुझाव होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां घाटी में आतंकी वारदात रोकने के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती। जी हां, श्रीनगर की सड़कों पर बन रहे हैं बंकर। जी हां, कश्मीर घाटी में आमने सामने की लड़ाई में हार के बाद से आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं, जिस वजह से अब वो आम जनता को निशाना बना रहे हैं। जी हां, ताकि घाटी का माहौल खराब किया जा सके। बताते सूत्रों के मुताबिक, सरकार और सुरक्षा बलों ने इस तरह की वारदातों से भी निपटने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है दोस्तों। अभी सबसे ज्यादा तैनाती श्रीनगर में बताई जा रही है। इसके अलावा वहां पर अतिरिक्त बंकर बनाए गए हैं, जिससे आतंकी वारदातों को रोका जा सके। जी हां, तो वहीं दूसरी ओर शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह भी कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल पिछले 2 हफ्तों से कश्मीर में आतंकी वारदातें बढ़ गई हैं, जिसके तहत आम
आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद अब 8 सालों बाद फिर से सड़कों पर सुरक्षा बंकर दिखाई देने वाले हैं। क्या कहेंगे इस पर आप लोग दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब भारतीय सेना पूरे तरीके से चौकन्ना और तैयार है। जी हाँ दोस्तों, हर वो मुश्किल का सामना करने के लिए, ऐसे में उनको शक्ति देने के लिए और उनका मनोबल हाई करने के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारतीय सेना कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात कर अगली बड़ी खबर, तो पाकिस्तान ने फिर संयुक्त राष्ट्र मंच का दुरुपयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद भारत ने आरे हाथों लिया है इसको। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपने खिलाफ एक बार फिर झूठा और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार करने को लेकर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की तृतीय समिति की बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर उठाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव आशीष शर्मा ने पाकिस्तान को 2 टुक जवाब देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि मेरे देश के खिलाफ पाकिस्तान के झूठे और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार की मैं निंदा करता हूँ। हम ऐसी सभी कोशिशों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये समिति सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक मुद्दे देखती है। शर्मा ने कहा कि भारत एक बहुधार्मिक, बहुजातीय और बहुभाषी देश है और ये लोकतंत्र, बहुलवाद तथा कानून का शासन के सिद्धांतों के दिशा निर्देशित होता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि स्पेशल रैपोर्टर द्वारा देश के शासन के दायरे में नहीं आने वाले लोगों के बारे में उनकी रिपोर्ट में दिए गए विशेष संदर्भ पर हमारा कहना है कि इस मुद्दे को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के से गलत तरीके से और बार बार जोड़ा जा रहा है, जबकि भारत में अल्पसंख्यक संविधान में प्रदत्त सभी मूल अधिकारों का लाभ उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बुरे तरीके से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है दोस्तों। साथ ही कश्मीरी मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने दोस्तों बता दे क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हम चीन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को कमजोर करने वाले अवांछित बयान को खारिज करते हैं। साथ ही पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम समावेशी विकास, सामाजिक संरक्षण, सामान व्यवहार और जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण किए जाने के चीन के मॉडल की सराहना करते हैं, जिसके जवाब में दोस्तों भारत ने बुरे तरीके से लताड़ा है पाकिस्तान को। बढ़ते अगली खबर की तरफ, 49 दिन बाद आया पूर्व अफगानी राष्ट्रपति अमरुल्ला साले का ट्वीट, पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। दरअसल अमरुल्ला साले अफगानिस्तान को उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से वो पंजशीर घाटी में थे, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा वक्त में वो ताजिकिस्तान में रह रहे हैं। साले ने 49 दिनों के बाद ट्विटर पर 3 ट्वीट कर अपनी बात रखी और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे के 2.5 महीने के बाद नतीजे GDP में 30% की गिरावट, गरीबी का स्तर 90%, शरीयत के नाम पर महिलाओं की घरेलू गुलामी, सिविल सर्विसेज डाउन, प्रेस या मीडिया या अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक, शहरी माध्यम वर्ग चले गए और बैंक ठप पड़ गए। जी हाँ दोस्तों, अमरुल्ला साले ने आगे कहा कि अफगानिस्तान कूटनीति का स्थान दोहा स्थानांतरित है। अफगानिस्तान की विदेश और सुरक्षा से जुड़े फैसले अब रावलपिंडी से लिए जा रहे हैं। तालिबान से अधिक शक्तिशाली NGO है। पाकिस्तान सेना और हक्कानी ग्रुप ने आतंकियों को ट्रेनिंग देने में लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप भी उनका ट्वीट देख पा रहे होंगे। ऐसे में अमरुल्ला साले के इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? अगर आप भी उनके कहने को सही मानते हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकियों का बहुत बड़ा सपोर्टर है दोस्तों, तो ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर कानून के शासन का करो सम्मान, उइगर मुस्लिमों पर चीन को 43 देशों ने दिखाया ये कहकर आईना। दरअसल चीन के शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार को लेकर दुनिया भर के 43 देशों ने ड्रैगन को फटकार लगाई है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के बयान के अनुसार 43 देशों ने चीन से शिनजियांग में मुस्लिम उइगर समुदाय के प्रति कानून के शासन का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। हालांकि बीजिंग ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ कई यूरोपीय और एशियाई सदस्य देशों और अन्य द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा में चीन पर उइगरों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया, जिसमें यातना, जबरन नसबंदी और जबरन गायब कर देना शामिल है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर सीमा पर चीन और पाकिस्तान की बढ़ी गतिविधियों पर भारतीय सेना के अफसर करेंगे चर्चा। उच्च स्तरीय बैठक सोमवार को होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भारत
भारत की सीमा पर पाकिस्तान और चीन की तरफ से गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। इसे लेकर अब सेना के टॉप अफसर बैठक करने वाले हैं। बताया ये गया है कि सोमवार से शुरू होने वाली इस उच्च स्तरीय कमांडर कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा परिस्थितियों को सुलझाने पर बातचीत होगी। जी हाँ दोस्तों, ये मीटिंग ऐसे समय पर रखी गई है जब पाकिस्तानी सेना लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, साथ ही आतंकवादियों को कश्मीर में दाखिल कराने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। दूसरी तरफ चीन भी लगातार लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में अपनी सेना बढ़ा रहा है। द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों की इन्हीं हरकतों पर चर्चा होगी और सरकार के सूत्रों ने बताया है कि सेना के कमांडर पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की पंजाब में बढ़ती गतिविधियों का मुद्दा भी उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बैठक में भारतीय सेनाओं को आपस में कौन कौन से मुद्दे छेड़ने चाहिए और किन पर अहम रोल निभाना चाहिए? दोस्तों आप भी 2-4 सुझाव जरूर दीजिएगा, देखते हैं क्या क्या सुझाव देती है भारत की जनता। साथ ही दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर इसी से जुड़ी खबर है, जहां आतंकवाद की हर साजिश का अब होगा काम। तमाम VDC सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है हमारी भारतीय सेना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना सीमांत ग्रामीणों यानी VDC, जिसे विलेज डिफेंस कमेटी कहते हैं दोस्तों, उससे जुड़े लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रही है। ये ट्रेनिंग हथियार चलाने, पाकिस्तान द्वारा दागे गए गोलों से बचने और अपने गांव तथा गांव वालों को मुश्किलों से बचाने के लिए लोगों को दी जा रही है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंक की वारदातें पिछले कुछ समय में काफी बढ़ गई, इसको लेकर दोस्तों अब हमारी भारतीय सेना VDCO को ट्रेनिंग दे रही है। इसके लिए ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 40 युद्ध पोत, 30 लड़ाकू विमान और 8,000 सैनिक क्या यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस ने यूक्रेन से बढ़ते तनाव के बीच काला सागर में 40 युद्ध पोतों और 30 लड़ाकू विमानों के साथ महायुद्धाभ्यास किया है। दोस्तों इस अभ्यास को यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। रूसी नौसेना के इस युद्धाभ्यास में मिसाइल लॉन्चिंग, प्रैक्टिस बॉम्बिंग के साथ दुश्मन के समुद्र तटों पर सेना को उतारने की ट्रेनिंग की गई है। दोस्तों रूस ने 2014 में ही यूक्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया था, जिसे क्रीमिया के नाम से जाना जाता, और इसी को लेकर दोस्तों इनके बीच युद्ध भड़कता रहता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जो बाइडन ने ऐसा क्या कह दिया कि भड़क उठा चाइना, और भड़कते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा और रियायत की तो बिल्कुल भी ना सोचे। आपको बता दे दोस्तों, चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के ताइवान की रक्षा को लेकर दिए गए एक बयान की कड़ी आलोचना की है। चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि वो ताइवान के मुद्दे पर किसी भी देश को कोई रियायत नहीं देने वाला है। चीन ने फिर दोहराया है कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ दिन पहले ही ताइवान को शांतिपूर्वक अपने देश में मिलाने की बात कही थी, जिसके बाद चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की स्पीड को काफी बढ़ा दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान से खबर, जहां अपनों को जमीन बांटने के लिए शियाओं को जबरन निकाल रहा है तालिबान। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान के कई प्रांतों में तालिबान के अधिकारी अपने समर्थकों को जमीन बांटने के लिए वहां के मूल निवासियों को जबरन विस्थापित कर रहा है। जी हाँ, अपनी नवीनतम रिपोर्ट में HRW का कहना है कि अधिकतर शिया समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, HRW के अनुसार तालिबान और संबंधित मिलिशिया ने अक्टूबर 2021 के महीने में दक्षिणी हेलमंद प्रांत और उत्तरी बल्ख प्रांत के सैकड़ों हजारों परिवारों को जबरन बेदखल कर दिया है। दोस्तों बड़ी खबर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां तालिबान को लेकर पुतिन ने दिया ये बड़ा बयान, उठा सकते हैं ये कदम। दरअसल रूस में अफगानिस्तान के हालात को लेकर हुई मॉस्को फॉर्मेट बैठक के बाद अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा सकता है। हालांकि उन्होंने साथ ही जोर देकर ये भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर ऐसा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या रूस इनको आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा देगा दोस्तों, या फिर रूस ने उनका दिल रखने के लिए खाली ये बात कह दी है क्योंकि वो लोग रूसी राष्ट्रपति के सामने बैठे हुए थे? क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो भारत इसराइल संबंध से जुड़ी खबर, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि शख्सियतों से परे दोनों देशों के संबंध है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर का कहना है कि भारत इसराइल संबंध परिपक्व होकर
यानी परफेक्ट होकर बेहद सुखद स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब वो शख्सियतों से परे जा चुके हैं अपने पहले इसराइल दौरे पर। जयशंकर ने यह टिप्पणी एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में ये बात कही। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहाँ न्यूजीलैंड पर बरसे शोएब अख्तर, कहा हम उन्हें अब छोड़ेंगे नहीं, वर्ल्ड कप में पूरा गुस्सा निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ऐसा क्यों कहा इन्होंने। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में होने वाले महामुकाबले से पहले आज तक के सलाम क्रिकेट में हरभजन सिंह और शोएब अख्तर एक मंच पर आए। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इस दौरान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को जमकर खरी खोटी सुनाई। शोएब अख्तर ने कहा कि 24 अक्टूबर को होने वाले मैच का प्रेशर भारत पर ज्यादा है, लेकिन हम अपना पूरा गुस्सा न्यूजीलैंड पर उतारेंगे। हमें आप पर गुस्सा नहीं है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे घर पर जो मैच हो रहे थे उन्हें छोड़कर चले गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि न्यूजीलैंड पर गुस्सा निकालना कहीं खुद पर ही गुस्सा ना निकल जाए, क्या लगता है दोस्तों आपको, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आप देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें तो G20 समिट के लिए इटली जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 27 अक्टूबर से शुरू होगा इसको लेकर दौरा। जी हाँ, कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी कम बार विदेशी दौरे पर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अब 27 से 31 अक्टूबर के बीच में इटली का दौरा करने वाले हैं और ये दौरा G20 समिट के लिए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ नेपाल से खबर आ रही है। प्रधानमंत्री देउबा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है दोस्तों। मृतकों की संख्या 111 के पार हो गई है। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने शुक्रवार को बाढ़ तथा भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित पश्चिमी नेपाल का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया है और ये सुनिश्चित किया है कि राहत कार्यों पर अमल किया जा रहा है या नहीं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन की एक और बड़ी साजिश, भारत सहित कई देशों में भेज रहा है खतरनाक केमिकल की परत चढ़ी खिलौने। बता दें अमेरिका ने जब्त की है इसकी बड़ी खेप दोस्तों। अमेरिका ने जिन चीनी खिलौनों को खेप यानी बड़ी मात्रा में जब्त किया है उनमें सीसा, कैडमियम, बेरियम और रासायनिक पदार्थों का बहुत ज्यादा मिश्रण के सहित यानी जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया गया है दोस्तों। 16 जुलाई को अमेरिका ने इन खिलौनों की शुरुआती जांच की थी, जिसके बाद इन्हें लैब भेज दिया गया था। इसमें सामने आया है कि खिलौनों में मानक से ज्यादा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया गया। ऐसे में नो चाइनीज प्रोडक्ट, ये बात कमेंट में जरूर लिखकर दिखा दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही बच्चों का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाइना से। बात करें अगली खबर की तो वायुसेना का कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मानवता और लोकतंत्र की गरिमा के लिए लड़ा गया था 1971 का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु में स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर शुक्रवार को भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित एक कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 का युद्ध इतिहास की उन चंद लड़ाइयों में से एक है जो किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए या ताकत हासिल करने के लिए नहीं लड़ा गया है और इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की गरिमा और मानवता की रक्षा करना था। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगर अगली खबर की तो अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ प्याज खाने से फैल रही है गंभीर बीमारी। 650 से ज्यादा लोग हुए हैं वहाँ पर बीमार। बता दें US में प्याज के कारण होने वाले साल्मोनेला बैक्टीरिया के प्रकोप से 37 राज्यों में 650 से ज्यादा लोग बीमार हो गए दोस्तों। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा है कि फिलहाल करीब 129 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। अगस्त और सितंबर के महीने में इस बीमारी के बढ़ने की सूचना मिली थी और इसके बाद सबसे ज्यादा मामले टेक्सास और ओक्लाहोमा में दर्ज किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर भारत के मुरीद हुए बिल गेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी इसको लेकर बधाई। बता दें WHO चीफ के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगने पर भारत की तारीफ की है। बिल गेट्स ने कहा है कि यह भारत के लाखों स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रयासों का प्रमाण है। बिल गेट्स ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, आप भी उनका ट्वीट देख पा रहे होंगे, ऐसे में थैंक यू बिल गेट्स जी कहना मत भूलिएगा दोस्तों भारत की तारीफ करने के लिए। साथ ही अगली खबर की बात करें तो कोवैक्सीन को कब मिलेगी WHO से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, मिल गया इसका जवाब। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि किसी वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति देने के फैसले के लिए टीके का पूरी तरह से मूल्यांकन करने और इसकी सिफारिश करने की प्रक्रिया में कभी कभी अधिक समय लगता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि दुनिया को सही सलाह ही दी जाए।
जाए, भले ही इसमें एक या दो सप्ताह अधिक लग जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बयान कोवैक्सीन की इमरजेंसी स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए ही दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन से जुड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सरकार में हिंदुओं पर गोलियां चलाई जाती थी और आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार में गांव, गरीब, महिलाओं व नौजवानों के विकास के कार्य हो रहे हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी गई है, ये सब भाजपा सरकार में हुआ है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में हिंदुओं पर गोलियां चलाई जाती थी, आतंकवादियों के ऊपर लगे मुकदमे हटा लिए जाते थे, उनकी आरती उतारी जाती थी और उनका सफाया तक नहीं किया जाता था। ये भाजपा व दूसरी सरकारों में फर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही। ऐसे में योगी जी के एक एक बयान का अगर आप समर्थन करते हो तो हमारा समर्थन है, इनकी बात का कहना मत भूलिएगा। दोस्तों बात कर अगली खबर की तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है दोस्तों, जिसमें कार्यक्रम में रिवॉल्वर लेकर एक शख्स पहुंच गया, जिसके बाद 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? अगली खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा दावा, प्याज की कीमतें हो गई कम, फरवरी तक सरसों तेल भी हो जाएगा सस्ता। जी हाँ दोस्तों, प्याज और सरसों के तेल की कीमतों पर केंद्र सरकार की ओर से अहम बयान आया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने बताया है कि प्याज की कीमतें कम है। दोस्तों उन्होंने कहा कि प्याज की कीमतों में हमने असाधारण वृद्धि नहीं देखी है और राज्यों की भी यही राय है। जी हाँ दोस्तों, बता दें सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया जब दिल्ली में और मुंबई जैसे महानगरों में प्याज 60 रुपए किलो खुदरा कीमत पर बिक रहा है, तो वहीं खराब मौसम की वजह से इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि दिवाली के बाद प्याज की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो अब उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड वालों को इस तारीख तक मिलेगा फ्री गेहूं और चावल। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना महामारी का जहां हर सेक्टर पर असर देखने को मिला है, तो वहीं इससे कई जिंदगियां भी प्रभावित हुई हैं। इस दौरान कई परिवार ऐसे भी हैं जिनकी आय का जरिया पूरी तरह से खत्म हो गया है। ऐसे में कार्ड धारकों के लिए फ्री में राशन की व्यवस्था मददगार साबित हो रही है। कोरोना महामारी के दौरान जहां हालात नाजुक बनी हुई थी, वहीं लॉकडाउन में राशन के लिए लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ी। लेकिन दोस्तों अभी जो सबसे राहत की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर तक कार्ड होल्डर्स को प्रति यूनिट जहां 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा, तो वहीं अत्योदय कार्ड होल्डर्स को प्रति कार्ड 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मिलेगा। आप भी कोरोना के नियमों का पालन करते हुए यहां जाकर राशन ले सकते हैं। दरअसल कार्ड धारक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जाकर गेहूं और चावल ले पाएंगे। जी हां दोस्तों, यानी कि 31 अक्टूबर तक आपको ये राशन मिलेगा। कोरोना संकट में सरकार की ओर से कोई भूखा ना सोए, इसको लेकर ये योजना शुरू की गई है। जी हां दोस्तों, बता दें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल नॉर्मल कार्ड धारकों को मिलेगा ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर हमने आपको बताई है। कितने भाई बहन उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनके लिए जरूरी खबर थी, कमेंट में जरूर कहिएगा। दोस्तों हम भी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता लगे कि हमारी जो ऑडियंस है दोस्तों वो सीरियस होकर के चीजों को सुनती है। बात करें अगली खबर की तो 2.5 लाख किसानों को पैसा देगी योगी सरकार। आपको बता दें कैसे मिल पाएगा आपको इसका फायदा। जी हां दोस्तों, यूपी में बारिश के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हुई थी, अब योगी सरकार उन्हें मुआवजा देने जा रही है। प्रदेश में धान व गन्ना आदि फसलों के हुए नुकसान का आकलन पूरा हो गया है। करीब 2,35,000 किसान ऐसे पाए गए हैं जिनकी फसल हालिया बारिश और बाढ़ के कारण खराब हो गई है। कृषि और राजस्व विभाग के सर्वेक्षण के बाद शासन ने करीब 77,88,00,000 रुपए जारी कर दिया है। बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए, साथ देने के लिए। जय हिंद।